का स्वागत है द ग्रुप ऑफ इंपैक्ट मीडिया द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स ऑफ बीबीसी 24x7 में। मैं खड़ा हूँ आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार और अपराध रोधी संगठन। तो आप मेरे साथ अंदर चलिए, यहाँ पर पदाधिकारी हैं जो आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि आज यहाँ क्या हुआ है और आगे समाज में ये अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स जो है कैसे लोगों को मदद करने वाली है। तो जुड़े रहे हमारे साथ, आप सबका दिन शुभ। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूँ। तो आज ये ह्यूमन राइट्स और जो आज यहाँ पे एक नया ब्रांच ऑफिस आप लोगों ने खोला, इसके बारे में और आज के कार्य प्रणाली के बारे में थोड़ा प्रकाश डालते हुए अपना परिचय देते हुए संक्षिप्त विवरण दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश शाह, नेशनल चेयरमैन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन। आज 26/4/2023 आज के दिन में हम लोग ने हिलकार्ड रोड मल्लागुड़ी में एक हमारा सिल्लीगुड़ी ब्रांच का ओपनिंग हम लोगों ने किया। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के एक नया ब्रांच हम लोग न्याज में खोला और ये आज एक महत्वपूर्ण दिन भी है हमारे लिए, जो कि हमारे जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के स्थापना दिवस भी है। और इसी क्रम में आज के दिन में हम लोग ने इस कार्यालय को खोला है और ये कार्यालय खुल जाने से सिलीगुड़ी के आसपास के क्षेत्र के सभी लोगों को जो पीड़ित है, उपेक्षित है, उन लोगों के लिए बहुत ये ऑफिस जो है मददगार साबित होगी और इसी के लिए ये खोला गया। सर, आज देखा जा रहा है समाज में कानून सक्रिय है, ह्यूमन राइट्स सक्रिय है और इसके अलावा और भी समाज सेवी है, इसके बावजूद भी आए दिन समाज में ऐसे घटनाएं हम लोग देखते हैं जो नहीं होना चाहिए। आपके हिसाब से इस पर कैसे धकेल लगेगा और ये क्यों हो रहा है, इसको थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, हम लोग मानव अधिकार से जुड़े हुए हैं और आज़ादी का 70 साल तो हो गया, 70 साल हो गया, और 70 साल आज़ादी के 70 साल के बाद भी आज में हमारे देश के आधी आबादी लोग अपने अधिकार के बारे में नहीं जानते, ना कानून के बारे में उनको ज्ञान है। और यही कारण है कि आज में क्राइम जो है सर चढ़ करके बोल रहा है और सरकार का भी जिम्मेवारी बनती है कि कम से कम लोगों में कानून की जागरूकता लाने का काम सरकार की है। और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है और ऐसे बहुत सारे सामाजिक संस्थाएं भी हैं जो समय समय पर जो है जागरूक करने का काम करते हैं, साथ में हम भी मानव अधिकार के संबंधित विषयों पर लोगों को जागरूक भी करते हैं, मदद भी करते हैं, कानून की जरूरत जब पड़ती है तो कानूनी तरफ से भी हम लोग सहयोग करते हैं, ये हम लोग का क्रम जारी है। सर, जैसे कि बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं वर्कशॉप का बंदोबस्त किया जाता है लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए, तो क्या हमारा मानवाधिकार ये जो संस्था है वो भी क्या इस तरह का भविष्य में कोई संकल्प ले रही है कि भविष्य में नहीं के अंदर जानकारी दे? अरे भविष्य में नहीं, ये तो मानवाधिकार हम लोग का लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग करते ही है। जी जी, ये स्कूल में जा कर के करते हैं हम लोग, ग्रामीण क्षेत्र में जाके करते हैं, ये शराब नशाबंदी के क्षेत्र में हम लोग अवेयरनेस करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के विषय लेकर करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, चाइल्ड एब्यूज के लिए करते हैं, ये तो हमारे काम है और हम लोग ये तो काम शुरू से ही कर रहे हैं। जी सर, जैसे कि आपने ये बताया कि जानकारी की कमी है। हाँ, जानकारी की कमी है। और मैं ये बता दूं कि हमारे जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन है ये 26 राज्यों में कार्यरत है और हम लोग समय समय पर पुलिस प्रशासन, कोर्ट, मीडिया सबको लेकर के हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं और लोगों को हम लोग जागरूक करने का काम भी करते हैं। आगे आपका भविष्य में क्या प्लान है सर? भविष्य में हम लोग ये सोचे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ित उपेक्षित लोगों को सेवा कर पाए ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी और हम इसी क्षेत्र में अपना कदम को आगे बढ़ाएं। कोई व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहे तो आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर देने के लिए तैयार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
4 4 1 1 9 9 6 6 7 7 8। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है और कोई भी समस्या अगर हो लोगों की तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारे ऑफिस भी खुला रहती है 12 घंटा तो हम लोग का ऑफिस खुला ही रहता है। 12 घंटा इस फोन नंबर पर कॉन्टेक्ट करने से हम लोग उपलब्ध रहेंगे। सर, हमारे पूरे टीम के तरफ से इस नए ऑफिस के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद।